हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है। यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, और इसका टोटल भी किया गया है। यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई पड़े, थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मैं टोटल चाहे तो हम कर सकते हैं, तो टोटल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो सम का फॉर्मूला लगा करके टोटल कर लेते हैं। तो ये सम का फॉर्मूला लगाया हमने और बस ये काम हो गया आपका। और अब अगर आप ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोफिल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये ऑटोफिल करने के बाद हमें क्या करना है, पूरा डेटा ले लेना है सिलेक्शन में। कुछ इस तरीके से आप पूरा डेटा सिलेक्शन में लीजिए और सिलेक्शन में लेने के बाद सीधा चले जाइए इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको चार्ट दिखाई पड़ेगा, इसी चार्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक चार्ट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा चार्ट मैंने पहले भी बनाना सिखाया है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, ये वाला चार्ट हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हम नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है टेबल चार्ट। तो टेबल चार्ट बना लीजिए इसके लिए। और टेबल चार्ट बनाने का फायदा क्या है, देखिए टेबल चार्ट बनाने का फायदा ये है, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के मैं बड़ा कर देता हूँ। ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट बन जाएगा अगर आप टेबल चार्ट डिजाइन करते हैं तो। यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं इसको, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट आपको मिल जाता है और ये बड़ा अच्छा है। यहाँ से स्क्रॉल करके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने चेंज कर दिया, ये जो 62 है ये गलती से लिख गया था और यहाँ 82 आपने कर दिया, 82 करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 82 हो जाएगा। तो ये जो है टेबल चार्ट जो है बनाने का ये फायदा है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपके कि ये टेबल चार्ट कैसे बनाया जाए। टेबल चार्ट के बारे में एक पहले भी वीडियो मैंने क्रिएट किया था और इस वीडियो से कुछ और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आप चेंज करेंगे ना वो पूरे में अप्लाई होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये श्याम का जो टोटल है, यहाँ पे देखिए ये श्याम का टोटल, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए ये रहा 358, देख रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम है, ये देखिए ये 358 यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए 358 दिखाई पड़ रहा है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक दूसरे कलर से, ये लाइक ये कलर कर देता हूँ, ये लो। तो ये 358 दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पर 90 है और ये 90 मान लीजिए गलती से लिख गया, यहाँ पर देना था आपको 82, ठीक है, और ये 90 हो गया था। तो यहाँ पर चेंज हो गया, 350 हो गया, अभी 58 था 350 हो गया। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली सारा हिसाब किताब चेंज हो जाता है और ये इस तरह का इफेक्ट भी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।